तो आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और कार्यवाही शुरू होने से पहले रणनीति बनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि विधानसभा में मंत्री और विधायकों के साथ ये बैठक हुई है, तो पोषण आहार घोटाले पर रणनीति बनाई गई है और मंत्री और विधायकों की बैठक में ये रणनीति बनी है। तो आपको बता दें कि दमदारी से कांग्रेस को जवाब देगा सत्ता पक्ष। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा मानसून सत्र का जो दूसरा दिन है और उसके पहले बीजेपी ने यहां पर पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। खास तौर पर पोषण आहार घोटाले पर यहां पर रणनीति बनाई गई है, जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सत्र से ठीक पहले मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की है, इस पर चर्चा की है और अब तैयारी है कि दमदारी से कांग्रेस को जवाब दिया जाए। तो आज दूसरा दिन है और आज भी कई मुद्दे सदन में गूंजने वाले हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामे होने के आसार है। खास बात यह है कि आज 11.5 घंटे बिना ब्रेक के सत्र चलने वाला है और कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले ये रणनीति बनाई गई है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बड़ी और अहम बैठक की है और विधानसभा में मंत्री और विधायकों के साथ ये बैठक की है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ सीधे विधानसभा से जुड़ गए। मनोज जी, एक बड़ा सवाल, आज जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंजने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज वित्त मंत्री 2500 करोड़ का जो अनुदान है उसको रखने वाले हैं और उस प्रस्ताव को रखने के बाद उस पर चर्चा होना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलग अलग ध्यानाकर्षण भी लगे हैं, चाहे जबलपुर की बात करें जिसमें आगजनी हुई थी अस्पताल में, उस मुद्दे को बात करें, या फिर आज पोषण आहार जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष भी घेरने की तैयारी में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी तैयारी भी सरकार ने अपनी तरफ से की है। विधानसभा सत्र शुरू होने से, अभी सत्र प्रारंभ हो गया और सत्र शुरू होने से पहले ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई, तो उसमें दोनों ही तरफ से रणनीति बनी है। एक तरफ सरकार को विपक्ष घेरना चाहता है, दूसरी तरफ सरकार भी किस तरह से इन सवालों के जवाब देगी उसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। तो आज का विधानसभा का सत्र जो है वो देर तक चलने वाला है, क्योंकि उसकी समय अवधि बढ़ाई गई है और यही प्रयास है कि पूरा बिजनेस हो जाए विधानसभा का, यानी चर्चा पूरी हो जाए, जो भी विपक्ष के मुद्दे उन पर भी चर्चा हो जाए और ध्यानाकर्षण लगे उन पर भी बेहतर तरीके से चर्चा हो। तो आज सत्र में हंगामा भी देखने को मिलेगा, लेकिन कई तरह के प्रस्ताव भी पारित होंगे। जी तो चलिए मनोज जी, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, आपको एक बार फिर से बता दें कि सत्र शुरू होने के ठीक पहले यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक की है, रणनीति बनाई है कि किस तरीके से दमदारी से विपक्ष को जवाब दिया जाए। तो वही विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है कि कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। तैयार है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं पोषण आहार, वो कह रहे हैं कि कारम डैम आपका तमाम, मैंने बोला ना, उच्च स्तरीय जांच भी आ गई है मध्य प्रदेश के इतिहास में। हमने उनको कारम डैम में दोनों एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया, सी से लेकर एसी से लेकर ई से लेकर एसडीओ से लेकर 8 लोगों को निलंबित किया। जितनी कड़ी हर मुद्दों पर हम तो कारम डैम पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और पोषण आहार को लेकर नहीं, अभी उच्च स्तरीय हर मुद्दों पर चर्चा रहे हैं, हर मोर्चे के लिए तैयार है सरकार। हर जवाब देंगे, क्यों चिंता मान रहा हूँ। कैबिनेट में इसी पर देखो रणनीति, अब अभी आपको बदला दूंगा अंदर क्या रणनीति काम है। चलिए, अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और बैठक के बाद ये कहा गया है कि हर एक मुद्दों पर सीधा जवाब देना है। जैसा तुलसी सिलावट कह रहे थे, वो कह रहे थे कारम डैम का जहां तक बात है तो हमने तमाम तरह की तैयारियां कर रखी, पटल पर हर चीज रखेंगे, विपक्ष आए तो सामने। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। बढ़ेंगे आगे तो विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तो 2500 करोड़ से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट हो सकता है और सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार भी बताए जा रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हंगामा देखने को आज मिल सकता है। तो वही ध्यानाकर्षण की बात की जाए तो 2 ध्यानाकर्षण और 9 अध्यादेश भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो वही जबलपुर अग्निकांड और
सतना कृषि मंडी घोटाले पर ध्यानाकर्षण लगाया गया है, तो वहीं मासूम के साथ ज्यादती के मामले में भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। तो विपक्ष के क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर एग्जीक्यूटिव एडिटर परोज सैनी जी ने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत से बात की, वो आपको सुनवाते हैं। बचना चाहिए, वहाँ जाने जा रही है तो ये जवाब क्या देना चाहिए, इसकी तो सरकार को रोकथाम करना चाहिए। जिसमें आज आपका क्वेश्चन भी लगा हुआ है इसी अग्निकांड को लेकर, तो क्या मेरा एक ध्यान आकर्षण लगा है, उस पर चर्चा होगी और उस पर मैं विस्तृत चर्चा तब करूंगा जब एक बार सदन में, क्योंकि वो मामला है, चर्चा होना हो जाए उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। जबलपुर वाले ही है, देखिए जबलपुर में घटना घटी, भोपाल में भी घट चुकी, इंदौर में भी घट चुकी, अन्य शहरों में भी घट चुकी। जबलपुर में इसके पहले कोविड काल में हो चुका कि हमारे निर्दोष जो मरीज कोविड से पीड़ित थे वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की पूरी तरह से चरमरा गई हैं, और 19 साल का तो लंबा समय होता है, और कितना समय सरकार को चाहिए था। तो आश्वासन का समय गया, अब इनके जाने का समय आया है, और ये बेनकाब जनता के सामने होते जा रहे हैं। ईश्वर भी कर रहा है, प्रकृति भी कर रही है, कहीं डैम बनने से पहले ही टूट जा रहे हैं, कहीं सड़कें पुलिया बह जा रही हैं। तो अब ये कैबिनेट को ये निर्णय लेना चाहिए कि इनको तो अपने आप स्वेच्छा से कि हम मध्य प्रदेश को चलाने में सफल हुए, और एक प्रस्ताव विधानसभा में लाना चाहिए कि हम सरकार से हट रहे हैं, वो ज़्यादा इनके लिए सम्मान की बात है। चलिए, तरुण भानोट जी हैं जो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कई सारे मुद्दे हैं जिनका तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। और आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, जिन्होंने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट से बातचीत की है। और आज की बात की जाए, दूसरा दिन है, हमारी योजना तो पुरानी ही थी और हम उस योजना को फॉलो कर भी रहे हैं, और हम अगले महीने तक हमारी कोशिश है कि पैनिक बटन सारी बसों में लगने वाली योजना लागू हो जाए, और उसका कमांड सेंटर करीब करीब अस्थायी रूप से बन चुका है। बस जो भी कमियां हैं उस कमियों को एक बार करके, एक बार ट्रायल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बुलाएंगे, और मुख्यमंत्री जी से उसको उसका बाकायदा उद्घाटन कराएंगे, और आपको भी बुलाएंगे। लगातार विपक्ष भी इस पूरे मसले, विपक्ष का काम है अपनी बात रखना, सरकार का काम है काम करना। हम अपना काम कर रहे हैं, और हम अपना काम पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से कर रहे हैं। चलिए, जिस तरह गोविंद राजपूत कह रहे हैं, तो गोविंद सिंह राजपूत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दुष्कर्म मामले पर यहां पर बयान दिया है।